हेलो एवरी वन मैनेजमेंट मंत्रालय वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट तो नेक्स्ट आप देखते कि इसकी प्रोसेस में कौन से स्टेप्स होती है फर्स्ट है सेटिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेकंड है एनालिसिस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी थर्ड है रिसर्च एंड सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट फोर्थ है डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी फिफ्थ है प्लानिंग मार्केटिंग प्रोग्राम और सिक्सथ है ऑर्गेनाइजिंग इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल द मार्केटिंग एफर्ट्स इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप मार्केटिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देख सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं अब ये सारी प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं इसकी फर्स्ट स्टेप होती है सेटिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस की फर्स्ट स्टेप होती है कि आप ऑब्जेक्टिव को सेट कर दें कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या मिशन है मिशन हेल्प करता है मार्केटर्स को कि वो कंडक्ट करें कि प्रॉपर इन्वायरमेंट को कैसे स्कैन करना है कैसे सर्च करना है कि क्या नई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है हो सकता है अपने सेट के आपका ऑब्जेक्टिव की आपको हाई प्रॉफिट अर्न करना है आपको आपके सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाना है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करनी है या आपको कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है ब्रांड की इमेज को बनाना है ब्रांड को बिल्ड करना मतलब कोई भी आपका मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव हो सकता है फिर जब आपने ऑब्जेक्टिव को सेट कर लिया कि आपको प्रॉफिट अर्न करना है सेकेंड आता है एनालाइजिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी अब ये नेक्स्ट स्टेप होती है कि आप मार्केट में आपकी अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं आप स्ट्रेंथ और वीकनेस को जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है आप किस और प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज़ हो तो अल्टीमेटली प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की आपको ज़रूरत होती है ताकि आप इफेक्टिवली तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ या अवसर को देखें मार्केटर इन्फॉमेसन लेता है कि वो चूज़ कर सकता है कि टारगेट कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है क्या चॉइसेस है कौन सी जोग्राफिकल लोकेशन पे ज्यादा लोग अवेलेबल है उनका बाइंग बिहेवियर या सोशल बिहेवियर जिनको आप इजीली टारगेट कर सकते हैं तो इसमें आप मार्केटिंग की अपॉर्चुनिटीज को देखते हो सकता है अभी तक आपका बिजनेस कुछ एरियाज में नहीं होगा वहाँ पे भी आपके स्टोर्स डाल सकते हैं तो ये आपने अपॉर्चुनिटी को देखा नेक्स्ट आता है रिसर्च इन सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट जब आपने अपॉर्चुनिटी को एनालाइज कर लिया उसके बाद आप रिसर्च करते हैं सिलेक्ट करते हैं टारगेट मार्केट को सिलेक्शन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अटेक्ट करें पर्टिकुलर मार्केट को ताकि आप मेज़र कर सके क्या डिफरेंट टेक्निक्स है जिससे कि आप मेज़र करेंगे फोरकास्टिंग करना कि फ्यूचर में कितनी डिमांड हो सकती है आप इसमें मॉडर्न मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं तो पूरी मार्केटिंग डिवाइड होती है स्मॉल सेगमेंट्स में और ये सेगमेंट्स इवेलुएट कर सकते हैं कि आप सेलेक्ट करें कौन सा टारगेट मार्केट है क्या डिफरेंट पोजिशनिंग की स्ट्रेटजीज हैं और कैसे आप मार्केट में उनको अप्लाई कर सकते हैं मतलब आप रिसर्च करेंगे कि जो भी आपने टारगेट मार्केट को सिलेक्ट किया आप उनको सेटिस्फाइड कर सकते कि नहीं क्या क्या आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ है और आप उनके बारे में पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं मेजर कर लेते हैं कि उनको कैसा टेस्ट कैसे प्रेफरेंस वाला प्रोडक्ट चाहिए फ्यूचर में आने वाली कितनी डिमांड होगी पूरे मार्केट में से आप आपके सेगमेंट को डिसाइड कर लेते हैं कि आप कितना प्रोडक्ट सेल कर सकेंगे इन फ्यूचर नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अब यहाँ पे आप डिजाइन करते हैं कि कौन सी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी इसको आपको अप्लाई करना है आपके टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल आप किड्स के लिए चॉकलेट्स बना रहे हैं तो अब आप देखेंगे कि ओवरऑल प्लान क्या होगा कौन सा फ्लेवर कैसे चॉकलेट्स आपकी बनेगी फिर आप उनको कहाँ पे किड्स ज्यादा है मेनली जहाँ पे स्कूल्स हो किड्स वाले जिस एरिया में किट्स ज्यादा रहते होंगे वहाँ पे आपका प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि आपके प्रोडक्ट की सेल्स अच्छी हो तो इस तरीके से आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस को बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के या बिजनेस के गोल को देखते हुए और डिसीजन लेते हैं कि आपका मार्केटिंग मैक्स कैसा होगा मार्केटिंग के क्या एक्सपेंडिचर्स होंगे मार्केटिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा तो ये स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं मार्केटिंग रिसर्च में डेवलपमेंट में मार्केट सिस्टम so, में तो सिस्टम में फोर पीस होते हैं हमारे प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन जो कि डिटरमाइन करते हैं कंज्यूमर के बारे में और ये आपको बताते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसाइड करेगा अपने एक्सपेंडिचर को उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं नेक्स्ट आता है प्लानिंग मार्केटिंग प्रोग्राम जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये सिर्फ इनफ नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए इन ऑर्डर में आपको देखना है कि कैसे आप बिजनेस के गोल्स को अचीव कर सकते हैं कैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज को ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर होता है कि वो अच्छी तरीके से मार्केटिंग के प्रोग्राम को कैसे चलाएगा मार्केटिंग प्रोग्राम में आपका इंक्लूड होता है कि प्रोडक्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे पैकेजिंग क्या पॉलिसीज होगी सर्विसेज की जैसे लोग आजकल आफ्टर सेल सर्विसेज गारंटी वारंटीज देते हैं ब्रांडिंग प्राइस रखना रिटेल और होलसेल के अकॉर्डिंग क्या क्रेडिट से डिस्काउंट या अलाउंसेस आप यूज करेंगे रिक्रूटमेंट सिलेक्शन इंटीग्रेशन क्या डिफरेंट इंटरमीडिएटर्स होंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं लाइक रिटेलर होलसेलर आप एडवर्टीजमेंट को देखते हैं आप एडवर्टीजमेंट करेंगे सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, तो ये पूरे प्रोग्राम को आप डिजाइन करते हैं कि इनमें से आपको कौन सी चीजें करनी है किस पे कितना फोकस करना है ताकि आपका मार्केटिंग की जो भी स्ट्रेटेजीज है वो आप सक्सेसफुली चला सके लास्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल दी, मार्केटिंग एफर्ट्स जब आपने मार्केटिंग के प्लान को पूरी तरीके से बना लिया कि आपको एडवर्टीजमेंट करना है टीवी पे करना है कितना बजट होगा किस टाइम पे एड्स चलाने फिर आप उसको फाइनली कंडक्ट करते हैं इस प्रोसेस में ऑर्गेनाइजेशन का जो रिसोर्सेस रहता है उसको यूज करके कि वो मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करें चीजों को कंट्रोल करें मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करता है मार्केटिंग प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं सारी मार्केटिंग प्लान की एक्टिविटीज को तो जो भी प्लान है अब यहाँ पे एग्जीक्यूशन में आता है ताकि आप कस्टमर का फीडबैक ले सकते हैं सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर के लिए और आप इवेल्युएट करते हैं कि जो भी आपका मार्केटिंग प्लान है वो कितना इफेक्टिव है फिर आप मार्केटिंग प्लान को कंट्रोल भी करते हैं कि क्या अल्टरनेटिव है जो कि सही नहीं हो रहे थे आपने जब इम्प्लीमेंट कर दिया फिर आप उसको देखेंगे कि आपको मोडिफिकेशन करना है कंट्रोल करना है मार्केटिंग को ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे परफॉर्मेंस का क्या स्टैंडर्ड होगा आप एनालाइज करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया था डिजायर परफॉर्मेंस था उसके बीच में क्या डिफरेंस आया तो आप उस चीजों को चेंज करके सही कर सकें तो इसमें मेनली तीन एलिमेंट्स होते हैं मेजरिंग एनालाइजिंग एंड मॉनिटरिंग मार्केटिंग मैनेजर कंपेयर करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ में वो करेक्टिव एक्शंस को लेता है और वो करेक्टिव एक्शंस को अप्लाई किया जाता है और जो भी डेविएशन आते हैं मतलब जो भी चीजों में अंतर है मतलब जैसे आपने स्टैंडर्ड सेट किया था और जो चीजें हुई हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है आप उसको कम करते हैं मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू तो जैसे कि आपने किड्स को टारगेट किया था तो अब आप देखते हैं कि किड्स कितने किड्स तक आप आपके प्रोडक्ट को पहुंचा सके कितनी डिमांड्स को आपने क्रिएट किया कितनी सेल्स किए कितना प्रॉफिट अर्न किया उन सारी चीजों को आप यहाँ पे मेजर करते हैं और फिर आपको लगता है कि और एरिया तक आपको पहुंचना है तो आप और एरिया तक जाएंगे तो ये पूरी प्रोसेस होती है मार्केटिंग मैनेजमेंट की जिसमें हमने देखा कि मेनली सिक्स स्टेप्स होती है फर्स्ट आता है सेटिंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव सेकेंड है एनालिसिस मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी थर्ड है रिसर्च एंड सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट फोर्थ है डिजाइनिंग मार्केटिंग स्ट्रेटी फिफ्थ है प्लानिंग मार्केटिंग प्रोग्राम और लास्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल दी मार्केटिंग एफर्ट्स वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू